कांग्रेस के अनुसार आज देश भर के लोगों की निगाहें सूरत कोर्ट की तरफ थी, क्योंकि स्वघोषित मसीहा और गरीबों की आवाज बुलंद करने वाले, अमेठी से चुनाव हार चुके एवं वायनाड की सांसदी से अयोग्य हो चुके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर आज सूरत कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के लिए यहां जितनी उपमाओं का प्रयोग किया गया है, जज साहब उतना भी नहीं बोले। जज साहब आए और एक शब्द में बोले, डिसमिस, मतलब खारिज। बड़ी विडंबना है। जज साहब को राहुल गांधी के केस पर फैसला सुनाते वक्त इससे तो ज्यादा बोलना चाहिए था, क्यों बताएंगे। लेकिन पहले मुख्य खबर। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं पांचजन्य। सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। जज मोगरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा आज कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा, डिसमिस्ड, यानी खारिज। माने राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, उनकी 2 साल की सजा बरकरार रहेगी, उनकी संसद सदस्यता भी बहाल नहीं होगी। अब राहुल हाई कोर्ट में अपील करेंगे। कांग्रेस ने राहुल को हुई सजा पर खूब राजनीति की। अब तक चुनाव आयोग पर भरोसा न करने वाली कांग्रेस न्यायपालिका पर भी सवाल उठाने लगी। खूब रैली और भाषणों का दौर हुआ और अंत में जरूरी कार्य किया गया, मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील दायर की गई। इसकी पहली सुनवाई पर राहुल अपने पूरे लश्कर के साथ कोर्ट पहुंचे थे। ये पूरा प्रकरण 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था। अगले दिन उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उसके बाद उन्हें बंगला भी खाली करना पड़ा था, जो कि सरकारी नियम है, लेकिन उस पर भी खूब बवाल मचाया गया। बहरहाल राहुल अभी भी अपनी माँ के साथ रह रहे हैं, वो भी लुटियंस दिल्ली में। बड़ा नसीब है राहुल का कि संसद से अयोग्य होने के बावजूद भी लुटियंस दिल्ली में वो रह रहे हैं। ऐसा सौभाग्य कहाँ सबको प्राप्त होता है। कई पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र या उनके रिश्तेदार भी हैं, उनको भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बहरहाल आज के फैसले के बाद जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अगर जज मोगेरा राहुल की याचिका मान लेते तो उनकी संसद सदस्यता बहाली का रास्ता खुल जाता। वहीं भाजपा इसे गांधी परिवार का घमंड टूटना बता रही है। उनका कहना है कि गांधी परिवार का घमंड टूट गया, ओबीसी समुदाय इससे खुश है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस समुदाय का अपमान किया है। बहरहाल एक और बड़ी चीज ये है कि सुनवाई के दौरान राहुल के वकील आरएस चीमा ने एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा को दलील दी थी कि मानहानि का केस उचित नहीं था, केस में अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी। राहुल गांधी ने अपने सबमिशन में कहा था कि उम्मीद की जाती है कि ट्रायल जज 2 साल की सजा देने के परिणामों से अवगत होंगे, मतलब अनिवार्य अयोग्यता को लेकर। इस तरह की अयोग्यता एक और मतदाताओं के जनादेश की अस्वीकृति और दूसरी ओर राजकोष पर भारी बोझ डालता है, इस बिंदु को याद रखिएगा। इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि जज सजा के आदेश में इस प्रकृति के परिणाम का उल्लेख करेंगे। अपने सबमिशन में इस चीज का जिक्र करके राहुल गांधी ने एक बार फिर से यह बताने की कोशिश की है कि वो देश के कानून से, संविधान से बहुत ऊपर है। दरअसल राहुल गांधी का कहना था कि न्यायाधीश ने उन्हें जो सजा सुनाई वह लोकतंत्र के खिलाफ था, क्योंकि इससे राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। न्यायाधीश को इस परिणाम के बारे में जानना चाहिए था। राहुल गांधी का यह तर्क कहना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक उद्योगपति को उचित सजा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे उसके व्यवसाय को नुकसान हो गया। माफिया को सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे उसके साम्राज्य का खात्मा होगा। लोगों का चालान नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इससे उसका आर्थिक नुकसान होगा। आतंकवादियों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इससे उसका परिवार अनाथ हो जाएगा। तो फिर कानून व्यवस्था की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ तो कोलैटरल डैमेज होगा ही होगा।
बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राहुल गांधी के इस बयान पर या इस समिशन पर आप क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताएं। मैं प्रभात रंजन मिश्रा लगातार आप तक ऐसी खबरें लाता रहूंगा। धन्यवाद।